हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नजराना और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन का अखनी पुलाव, जो खाने में तो टेस्टी लगता ही है लेकिन इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मेरी आवाज़ क्यों ऐसी निकल रही है, तो बहुत दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, सर्दी और खांसी की वजह से मेरी आवाज़ बैठ गई थी, इसलिए मैंने कोई वीडियो भी शेयर नहीं की थी। लेकिन आज मेरे बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मम्मी मुझे चिकन का अखनी पुलाव खाना है, उसे बहुत ही पसंद है ये पुलाव, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको हमारी ये रेसिपी समझ में आएगी। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 2 किलो चिकन लिया है, ये फ्रेश चिकन है। मैंने पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था, बाद में मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 2 से 2.25 लीटर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसकी अखनी बनानी है और हमें इसे भगोने में ही गलाना है, कुकर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद अब हम इसे गैस पे रख देंगे पकने के लिए। और चलिए अब यखनी की तैयारी करते हैं। तो यखनी बनाने के लिए अभी हमने यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लिया है, आप कोई भी साफ सुथरा कपड़ा कॉटन का ले सकते हैं। यखनी बनाने के लिए हमने 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है। धनिया का बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है, तो आप कभी पिसा हुआ धनिया ना लें, क्योंकि पिसा हुआ धनिया इसमें कभी यूज़ नहीं होता। 2 चम्मच हमने यहाँ पर सौंफ ली है। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से बांध लेंगे और कपड़े को हम इस तरह से बांधेंगे जो वो खुले ना, क्योंकि हमें इसकी एक पोटली बनाकर चिकन के अंदर रखनी है, जिससे अखनी तैयार होगी। तो इस तरह से इसको अच्छा पक्का बांध लीजिए। और अब हमने ये जो चिकन रखा है उबलने के लिए, इसमें हमें थोड़ी सी जगह बनानी है और इसी जगह में हमें इसमें इस कपड़े को, इस पोटली को रख देना है। एक साइड में ही हमें इसे कोने में रखना है। यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें हमने 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 हरी इलायची लिए हैं, 5-6 लौंग लिए हैं, 1 पत्थर फूल लिया है, 1 जायपत्री है, 4 लौंग है और 3 तेज़पत्ते हैं। इनको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हमने ये 1 प्याज है, जिसको हमने लंबाई में पतला पतला कट किया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करके अच्छे से चला कर हमें इसको ढक कर रख देना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई गैस पर हमें नहीं बनाना है, क्योंकि फिर अगर हम ज़्यादा हाई गैस पर रखेंगे तो चिकन गल जाएगा और यखनी का टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो बासमती राइस लिया है, ये कच्चा बासमती राइस है, तो हमें इसे अभी भिगाना नहीं है, क्योंकि ये बासमती राइस जो कच्चा चावल रहता है, इसको हमें सिर्फ 15 से 20 मिनट ही भिगाना पड़ता है। राइस को हम एक साइड में रखते हैं, इसलिए हम इतने मसाले ले लेते हैं। जहाँ पर मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 10 से 15 मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली हैं और 10 से 15 हरी मिर्च ली है। इनको पहले हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। 1 कप हमने यहाँ पर फ्रेश दही लिया है, ये घर का बनाया हुआ दही है, और अब हम इसे भी ग्राइंड करेंगे। पहले हम मसाले ग्राइंड करने के लिए 1 चम्मच इसमें जीरा ऐड करेंगे और 1 प्याज हम इसमें बारीक कट करके वो भी ऐड कर देंगे और इन सभी को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों का एक पेस्ट बना लिया है। और चलिए अब हम इसमें दही भी ग्राइंड कर लेते हैं। आप चाहें तो दही को फैट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ग्राइंड करके डालती हूँ। यहाँ पर हमने 4 बिग साइज़ के प्याज लिए हैं, इसको भी मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है।
एक इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको भी मैंने लंबाई में पतला पतला कट कर लिया है। 5 हरी मिर्चें हैं, इसको भी मैंने लंबाई में कट कर लिया है। और चलिए देख लेते हैं यखनी तैयार हुई है या नहीं, चिकन गला है या नहीं। गैस का फ्लेम हमने एकदम मीडियम रखा था और अब हमने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है। तो पहले चिकन हम देख लेते हैं, चिकन अच्छे से गल चुका है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और चिकन को थोड़ी देर के लिए यखनी में ही रहने देंगे। तो चलिए अब बता देते हैं कि साबुत गर्म मसालों में भी हमने क्या क्या लिया है, क्योंकि अभी हमें पुलाव बनाने की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 4 हरी इलायची ली है, एक बड़ी इलायची ली है, एक पत्थर फूल लिया है जिसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, 8 से 10 काली मिर्च ली है, 4 लौंग ली है, 1 चम्मच सौंफ लिया है, 1 चम्मच शाह जीरा है और 1 चम्मच ये सफ़ेद जीरा है, 1 जायपत्री है। तो चलिए हम पुलाव बनाते हैं। अब ये चावल, अभी सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, तो चावल को भी हमें अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको भी हम सारा पानी फेंक के एक ही बार का पानी हमें इसमें रखना है। तो चलिए पहले हम गैस पर बड़ा पतीला हम रख देंगे, इसमें हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें हल्का ब्राउन कलर कर लेना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और प्याज को ब्राउन कलर होने तक हम इसे चलाते रहेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अभी हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो कर देंगे और पूरा प्याज हम एक प्लेट के अंदर अच्छे से निकाल लेंगे। कभी भी आप प्याज फ्राई कीजिए किसी भी चीज़ के लिए, तो प्लीज़ उसे जलने ना दें, क्योंकि उससे खाने का टेस्ट पूरा ख़राब हो जाता है। तो पहले अब हमने इसमें गरम मसाले डाल दिए हैं। गरम मसाले थोड़े से हल्के से भुनने लगेंगे, तो एक प्याज हमने बचा के रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज के साथ साथ हरी मिर्च के भी हमें ऐड करनी है और अदरक भी हम इसी में ऐड कर देंगे और इन्हें सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमें गैस का फ्लेम हाई कर देना है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करते रहना है। जो हमने चिकन यखनी के अंदर रखा था उसे भी हम छान लेंगे। और ये देखिए यखनी की चिकन की बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। यहाँ पर प्याज भी ब्राउन हो गया है और अब हम इसके अंदर हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने बनाया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करते रहेंगे। जो दही हमने लिया था, वो जो ग्राइंड किया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करते रहना है। 8 से 10 हमने यहाँ पर पुदीने के पत्ते लिए थे, जिनको हम बारीक कट करके डालेंगे। पुलाव के अंदर पुदीने का बहुत प्यारा टेस्ट आता है, इसलिए पुदीना भी इसमें ज़रूर डालना चाहिए। तो सभी मसाले आपस में फ्राई हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हमने जायफल लिया था, इसको हमने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया, एक पेस्ट बना लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे मसाले का कलर भी चेंज हो जाएगा। और ये सीक्रेट तो आपको आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होगी लेकिन ऐसा सीक्रेट आपको किसी ने नहीं बताया होगा। 1 चम्मच हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी चिकन में डाल चुके हैं। और अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे और चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ। चिकन गल चुका है, इसलिए हमें इसे गलाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये देखिए कितनी प्यारी सी खुशबू भी इसकी आ रही है और कलर भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आया है। आज का यखनी पुलाव बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए कि आज का यखनी पुलाव आपको कैसा लगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है चिकन। और अब हमने जो यखनी का पानी जो रखा था हमें उसी में ऐड कर देना है। चिकन गल चुका है तो सिर्फ चावल ही इसमें गलाने हैं, तो हमें इसमें दूसरा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है।
और इसमें हमें दूसरा पानी ऐड भी नहीं करना है। तो ये देखिए चावल भी अच्छे से हमने धो लिए थे, 15 से 20 मिनट हमने चावल को भिगा कर रखा था, और अब हम जब इसके अंदर थोड़ा उबाल आ जाएगा तो हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। और ये देखिए इडली में हल्का हल्का उबाल आ गया है, अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। और ये देखिए आज का इडली पुलाव बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये दिल्ली की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है यखनी पुलाव, और मेरे घर में तो ये सभी को बहुत पसंद है। और अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए चलिए देख लेते हैं एक बार प्लेट उठाकर। और ये देखिए पानी भी सूखने लगा है, अभी हम चावल को अच्छे से चलाएंगे और पानी भी इसका सूख चुका है, थोड़ा सा ही पानी इसके अंदर है। तो अब हम गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और इसको अच्छे से चलाकर ढक्कन ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए हमें फिर से इसे रखना होगा। आप चिकन पुलाव बनाने के लिए अगर 1.5 किलो चावल है तो 1.5 किलो चिकन लें, या फिर 2 किलो चिकन है तो 1.5 किलो चावल भी आप ले सकते हैं। और 10 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं चलिए ये यखनी पुलाव बनकर एकदम तैयार है। और ये देखिए कितना प्यारा सा पुलाव बना है, और चावल भी एकदम खुले खुले बने हैं, और चिकन को हमने पहले ही गला कर रख दिया था, और ये अच्छे से बन चुका है। अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे, ये ऑरेंज फूड कलर है जिसको मैंने आधा नींबू के रस के अंदर पहले से ही मैंने इसको घोल कर रख दिया था। इसको हम एक कोने में डालेंगे, चारों तरफ इसे नहीं डालना है। और ये जो हमने प्याज हमने फ्राई करके रखा था वो भी हम इसके ऊपर से ऐड कर देंगे। और ये देखिए कितने प्यारा सा पुलाव दिख रहा है, इस तरह से हमें इसे गार्निश करना है। कभी भी गेस्ट घर में आ जाए या कोई फंक्शन हो तो आप ये पुलाव बनाकर उनको खिला सकते हैं। एक चम्मच हम इसमें ऊपर से असली घी ऐड कर लेंगे जिससे चावल एकदम खुले खुले रहेंगे। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और अपनी पुलाव बन चुका है, चलिए एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए हमें एक ही साइड से इसको सर्व करना है, हमने जो इसमें कलर डाला है इसलिए हमें इसे एक ही कोने में से हमें इसे सर्व करना है, वरना पूरा कलर एक ही साइड आ जाएगा। और ये देखिए क्या जबरदस्त सी खुशबू इसकी आ रही है। तो चलिए यखनी पुलाव के साथ हम चटनी भी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 1 कप हरा धनिया लिया है, 8 से 10 मैंने यहाँ पर पुदीने के पत्ते लिए हैं, 2 हरी मिर्च और 5 मैंने लहसुन के कलियाँ ली हैं। और ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड करके इसकी अच्छी सी चटनी बना ली है। और ये देखिए लग रहा है ना ज़बरदस्त सा पुलाव और टमाटर की चटनी, और ये बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन यखनी पुलाव। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।